मिशन जीनियस माइंड कंसल्टेंट प्राइवेट लिमिटेड से संजीव मलिक। ये मेडिटेशन ऑडियो सेल्फ रियलाइजेशन पर बेस्ड है। किस तरह से खुद की पहचान हो, किस तरह से अपने भीतर छिपे उस परमात्म तत्व को जाना जा सके, भीतर की उस परम शांति परम आनंद को जाना जा सके, इस गाइडेड मेडिटेशन में हम वही करने का प्रयास करेंगे। तो अपने मन को सब तरफ से हटाकर अपने सेल्फ में ले आएं। अपने आप में ले आएं, अपने भीतर ठहर जाएं। ध्यान को बाहर से हटाने के लिए कुछ समय फास्ट इनहेल एक्सहेल किया जा सकता है। आप अपनी सुविधा के हिसाब से इसकी स्पीड कम या ज्यादा रख सकते हैं। ज्यादा फास्ट करने से मन जल्दी साफ हो जाता है, विचारों से दूर होकर टिक जाता है, ऊर्जा का लेवल बढ़ जाता है, भीतर की आलस्य खत्म हो जाता है और चेतना जागृत होने लगती है। तो थोड़ी सांस को तेजी से इनहेल एक्सहेल करें। अब रिलैक्स हो जाएं, रिलैक्स हो जाएं। मन के विचार बहुत हद तक कम हो गए हैं। पूरे शरीर के हर हिस्से में ऑक्सीजन पहुंच गई है, एनर्जी पहुंच गई है। अब इस पूरी एनर्जी को, पूरे जोश को, पूरे उत्साह को भीतर के इस चैतन्य तत्व को जानने में लगाते हैं। जो हमारा रियल सेल्फ है, जो हमारा भीतरी मैं है, आज इसको और गहराई से जानते हैं। अपना पूरा ध्यान अपनी नाभि के पास लगा लें। और शरीर के इस हिस्से को पूरा महसूस करें। नाभि को पूरा महसूस करें, पेट को पूरा महसूस करें।
किसी भी पार्ट के साथ कोई कपड़ा टच कर रहा है, कोई और सेंसेशन है, हवा लग रही है, गर्मी है, सर्दी है, जो भी सेंसेशन पेट के आसपास की स्किन पर कहीं भी हो, उसे महसूस करें। संवेदनाओं के प्रति सतर्क हो जाएं। पेट के अलग अलग हिस्सों पर अपना ध्यान लेकर जाएं और छोटी से छोटी या बड़ी से बड़ी हर संवेदना को महसूस करें। सिर्फ साक्षी भाव से, दृष्टा भाव से किसी भी संवेदना के प्रति अच्छा या बुरा होने का लेबल नहीं लगाना। जो है, मैं सिर्फ देख रहा हूं, जान रहा हूं। एक बार ध्यान को नीचे से ऊपर घुमाते हैं। आपको अपना ध्यान सिर्फ शरीर के जिस अंग को का नाम लिया जाए, उस अंग पर अपना ध्यान ले जाना है और उसमें होने वाली कोई भी संवेदना को महसूस करना है। दाहिने पैर का अंगूठा, साथ वाली पहली उंगली, दूसरी उंगली, तीसरी, चौथी उंगली, दायां पैर का तलवा, दाएं पैर का पंजा, दायां टखना, पिंडलियां, घुटना, जंघा, बाएं पैर का अंगूठा, पहली उंगली, दूसरी, तीसरी, चौथी उंगली, बायां पंजा, बाएं पैर का तलवा, ऊपरी हिस्सा, टखना, पिंडलियां, घुटना, जंघा। जल्दी से सब पर ध्यान घुमाया। बस एक ही चीज का ख्याल करना है, जब आप अपना ध्यान किसी भी अंग पर लेकर जा रहे हैं तो उस अंग को भीतर से, वहां की संवेदना को, वहां की किसी भी सेंसेशन को जानना है। साथ ही साथ जानने वाले को जानना है। ये जानने वाला कहां है और कैसा है? ये जानने वाला मैं हूं, आप हो। अपने आप से पूरी तरह ये स्पष्ट कर लें, ये जानने वाला भीतर का चैतन्य है, ये भीतर का जो खालीपन है, इसे ये
यही वो जानने वाला है। जब आप अपना ध्यान दाहिने पैर के अंगूठे पर लगा रहे हैं, तो अंगूठे को की सेंसेशन को कौन है जो जान रहा है? माना कि अंगूठे से हवा टच कर रही है और आप इसे जान रहे हैं। आप माने कौन? भीतर ये जो जानने का हमारा स्वभाव है, जानने वाला है, इसे इसे समझना है। यही हम हैं, यही मैं हूं। इसी तरह से अपना ध्यान दाहिने हाथ के अलग अलग हिस्सों में घुमाएं। दाहिने हाथ का अंगूठा पहली उंगली, दूसरी, तीसरी, चौथी उंगली, पंजा, हथेली, दाएं बाजू, कोहनी से नीचे, कोहनी से ऊपर, कंधा, बायां कंधा, बाईं बाजू कोहनी तक, कोहनी से कलाई तक, बायां अंगूठा, बाईं पहली उंगली, दूसरी उंगली, तीसरी उंगली, चौथी उंगली, बाएं हथेली, बाएं हाथ का पिछला हिस्सा, इस पूरे शरीर के इन अंगों को पूरा फील करें, भीतर से जानें। कोई भी सेंसेशन वहां है तो जानें, और इस जानने वाले को भी जानें। कौन है जो ये महसूस कर रहा है? ऐसा महसूस करते करते आप पूरी तरह प्रेजेंट मोमेंट में ठहर जाएंगे। इस समय देखिए, क्या मन में कोई भूतकाल है, कोई भविष्य है, कोई इच्छा है, कुछ पाना है, कुछ जानना है? आप ये पाएंगे कि कोई इच्छा शेष नहीं। इस प्रेजेंट मोमेंट में ठहरते ही कोई दुख नहीं रहता। सारे दुख या पास्ट में थे या फ्यूचर में होंगे। सारी चिंताएं पास्ट या फ्यूचर की हैं, अब इस मोमेंट में, इसी क्षण में क्या कोई दुख है? कोई दुख नहीं है। बस अपने आप में ठहर जाएं और भीतर के इस खालीपन को पूरा महसूस करें, अपने आप को पूरा
प्रेजेंट मोमेंट में ठहरा लें। मन अगर इधर उधर जाए भी तो भी उसे प्यार से सॉफ्टली वापस अपने इसी शरीर में ले आएं और शरीर के प्रति जागृत हो जाएं। ये जो भीतर जागृत है यही आपका चैतन्य है, ये जो सब जान रहा है यही आपका असल स्वभाव है। आप जानने वाले हैं, आप देखने वाले हैं, और पूरी तरह निर्मल हैं। भीतर के इस चैतन्य को समझें, इसे ही आत्मा कहते हैं। नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि, नैनम दहति पावकः, जिसके बारे में ये हमने सुना है, आज उसे जानते हैं, वो कौन सा तत्व हमारे अंदर है जिसको कोई शस्त्र भेद नहीं सकते, जिसको कोई आग जला नहीं सकती, जिसको कोई जल डुबो नहीं सकता, कोई वायु सुखा नहीं सकती, यही वो चैतन्य तत्व है। हम इस शरीर के भीतर होते हुए भी इस शरीर से अलग हैं, डिटैच्ड हैं, और क्योंकि हम डिटैच्ड हैं, शरीर पर अगर कोई भी वार करे और शरीर का कोई अंग अलग हो जाए तो क्या आप अलग हो जाएंगे? आप अखंड हैं, आप अविभाज्य हैं, आपके कोई टुकड़े नहीं हो सकते। शरीर के हो सकते हैं, आपके नहीं। आप एक इंटीग्रेटेड एंटिटी हैं। अपने इसी पूरी चैतन्य स्वभाव को जानें और इसी में स्थित हो जाएं। कोई दुख सुख आपको छू भी नहीं सकता, किसी बड़े से बड़े दुख को याद करें जो आपके जीवन का सबसे बड़ी पीड़ा हो, याद करें लेकिन खुद को भूले बगैर, केवल कल्पना सामने लेकर आए वो जो सबसे बड़ा दुख आपके जीवन का हो, पर इस चैतन्य को भूलना नहीं। आप पाएंगे कि क्षण भर के लिए दुख की झलक आती भी है तो भी आपको छू नहीं पाती, अगर आप अपने चैतन्य में जागृत हैं, आप अपने होश से भरे हैं तो कोई चीज आप तक पहुंच नहीं पाती। कोई दुख नहीं, कोई सुख नहीं, कोई पाप नहीं, कोई पुण्य नहीं, इस चैतन्य तक कुछ नहीं पहुंचता। कोई गर्मी सर्दी नहीं,
कोई भूख प्यास नहीं, इस चैतन्य के लिए कोई बंधन मुक्ति नहीं। ये सदा मुक्त था, मुक्त है और सदा मुक्त रहेगा। ये केवल मन है जो आपका संसार के साथ बंधन बनाता है। इस चैतन्य को, इस आत्मा को संसार से जोड़ता है। इस मन में भाव हैं, इस मन में विचार हैं, इस मन में सोचने की, निर्णय लेने की क्षमता है, लेकिन इस मन को आप पावर देने वाले हैं, इस मन को आप सत्ता देने वाले हैं। मन एक इंस्ट्रूमेंट है, आप जब किसी वस्तु पर ध्यान देते हैं तो ही विचार पैदा होते हैं। आप मालिक हैं और ये मन जो कि एक इंस्ट्रूमेंट है, ये आपका एक, केवल एक इंस्ट्रूमेंट है, केवल आपका एक टूल है, केवल एक यंत्र है। इसको जब आपकी ऊर्जा मिलती है, आपकी पावर मिलती है, आप की ताकत मिलती है, तभी ये एक्टिव होता है। अगर आप अपना ध्यान उस वस्तु से हटाकर अपने आप पर लौटा लें तो मन का ये सिस्टम तुरंत समाप्त हो जाता है। किसी भी वस्तु का अस्तित्व तब तक है जब तक आप उस पर ध्यान देते हैं। आप जैसे ही अपना ध्यान वहां से लौटाकर खुद पर ले आते हैं, उस वस्तु का अस्तित्व आपके लिए समाप्त हो जाता है। बस ऐसे ही आपने इस संसार की रचना की है। ये संसार केवल आपकी कल्पना मात्र है। आपने किसी को अपना माता पिता मान लिया, उनके प्रति आपका जुड़ाव हो गया। सत्य यह है कि माता पिता से केवल आपका शरीर आया है, आप नहीं। आप सदा थे, सदा हैं और सदा रहेंगे। इस संसार में इस शरीर को भी आपने अपना माना, इसके जरिए आप संसार के काम करते हैं, लेकिन आप इस शरीर से बिल्कुल अलग हैं। आपने ये वस्त्र पहने हैं, लोगों से जुड़ने के लिए, पर बिना वस्त्रों के भी आप होते हैं। इस समय अपने आप को पूरी तरह अपने आप में ठहरा लें और इस शरीर को
एक वस्त्र की तरह महसूस करें जिसको आपने ओढ़ा हुआ है। आपने इसको पूरी तरह से पहन रखा है। पर इस गलतफहमी को बिल्कुल दूर कर लें कि आप यही शरीर हैं। नहीं, आप इस शरीर के भीतर हैं, आप शरीर नहीं। जब आप कहते हैं कि ये शरीर आपका है, तो आपके कहने से आपका एहसास इतना गहरा हो जाता है कि आप इस शरीर को ही मैं मान लेते हैं। तो शरीर के ऊपर आया हुआ दुख सुख आपको महसूस होने लगता है। अभी अपना ध्यान शरीर में होने वाली किसी पीड़ा पर लेकर जाएं। अगर कहीं कोई तकलीफ है, मान लीजिए आपकी कमर दुख रही है, तो अपना पूरा ध्यान उस बिंदु पर लगा दें जहां पीड़ा हो रही है। जो हिस्सा दुख रहा है, अपना पूरा ध्यान उस बिंदु पर लगा दें। और अंदर से उसे महसूस करते रहें। उसे महसूस करते ही आप एक अनोखी चीज पाएंगे कि पीड़ा बहुत कम हो गई या बिल्कुल खत्म हो गई। क्योंकि जब आपने इस पीड़ा पर ध्यान दिया, तो आपके और उस पीड़ा के बीच में गैप क्रिएट हुआ। आप जान पाए कि पीड़ा अलग है और मैं केवल उसे जानने वाला हूं। बस यही तरीका है हर तरह की पीड़ा से खुद को अलग करने का। शरीर की हर एक्टिविटी को इसी प्रकार भीतर से जाग कर देखना है। जब शरीर को भूख लगे, तो खाना खाने से पहले एक बार भूख को भीतर से महसूस जरूर करें। देखें भूख किसे लगी है, क्या आपको या शरीर को। इसे जानते जानते भीतर का शरीर के प्रति जो मोह था, जो अटैचमेंट थी, जो मेरेपन का भाव था, वो कम होने लगेगा।
अभी कुछ समय के लिए केवल शरीर के प्रति जागें। एक एक एक्शन जो भी करें, खाना खाएं तो भी भीतर जागते रहें। जीभ स्वाद ले रही है, दांत चबा रहे हैं और आप इस सब को जान रहे हैं। जीभ पर स्वाद आया, लेकिन आपने उसे भीतर से जाना तो आप स्वाद से बाहर हो गए, स्वाद से अलग हो गए। आज स्वाद आएगा खट्टा, मीठा, तीखा, लेकिन उसको जानने वाले आप होश में रहेंगे तो ये स्वाद आपको बांध नहीं पाएगा। दोबारा आप ये ना कह सकेंगे कि मुझे फला चीज खाने की इच्छा है। आप मुक्त हो जाएंगे। ऐसे ही एक एक वस्तु के प्रति जागना है, एक एक बंधन के प्रति जागना है, और जागते ही मुक्ति है। अपने इस मुक्त रूप को अनुभव करें और इसके प्रति अहोभाव से भर जाएं। वाह प्रभु, मेरे ही भीतर आपने मुझे ही बिठाया हुआ है और मुझे ही अपने भीतर से ये सारा खेल खेलने दे रहे हो। क्या सुंदर रचना है ये। वाह, आज मेरा खुद को ही नमन। यहां कौन प्रभु है और कौन प्रेमी उसे जानने वाला, सब एक ही है, लेकिन ये जागकर ही पता चलता है। इसलिए जागें, होश से भरे रहें। अभी इस मेडिटेशन को समाप्त करते हैं, लेकिन होश को समाप्त नहीं करना। आंखें खोलना, लेकिन भीतर के प्रति जागे रहना। जो भी काम करना होश पूर्वक, कोई भी काम बंधन नहीं बनेगा। होश में किया हुआ हर काम प्रार्थना है, साधना है, पूजा है, भक्ति है, और बेहोशी में किया हुआ हर काम पाप है। होश, होश, होश। थैंक यू वेरी मच।